ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस कुछ बैकग्राउंड पीएनजीज का मैं यूज़ करूंगा, जिन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस आप सभी से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं गाइस वीडियो में कि मतलब जो गाइस हमारा जो इसमें कलर करेक्शन वाला पार्ट होगा ना गाइस, आप लोग उसको थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि जब तक आप उस वाले पार्ट को नहीं देखोगे गाइस तो आप मतलब बिल्कुल सेम फोटो एडिट नहीं कर पाओगे। तो गाइस आप वाला पार्ट बिल्कुल मिस मत करना भाई। गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सो गाइस आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइस, आपको इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन गाइस जाना आपको ऐड फोटो में, गाइस यहां से आप सभी को ऐड करना अपने मॉडल को। मैं गाइस मॉडल का जो कटआउट है मैंने पहले से कर रखा है, जिसको कटआउट करना नहीं आता डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग उसको देख के आप कटआउट करना इजीली सीख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जाना ऐड फोटो में, गाइस आपसे आपको लेना है रोज के पार्टिकल पीएनजी, ठीक है। फिर उसको आपको अपने यहाँ पे एयर के पास लगाना है, तो मैं इसको फटाफट लगा लेता हूँ। एंड गाइस ये जो पार्टिकल है गाइस आपको एयर के पास अपने लगाने, ठीक है। तो मतलब कि कैसे लगाना वो मैं बताता हूँ, पहले तो आपको जूम करनी है फोटो को, एंड उसके बाद आपको कुछ स्टेप्स ऐसे अपने एयर के पास रखना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड गाइस आप देख सकते हैं एयर के पास ना थोड़े से एरिया में जो है पार्टिकल नहीं है रूस के, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे एंड इसको वहाँ पर ले जाएंगे, एंड रेजर टूल में जाएंगे इसको इन्वर्ट करेंगे, ब्रश लेंगे एंड जहाँ पर नहीं है वहाँ पर पेंट करेंगे कुछ इस टाइप से। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पूरा एकदम मर्च हो चुका है एकदम अच्छे से, तो अब यहाँ पर अच्छा लग रहा है फोटो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम सिंपली कर देंगे यहाँ से डन, आपको चेंजेस करने की जरूरत है नहीं इसमें, तो अब इसको हम डन करते हैं। फिर इसका जाएंगे हम ऐड फोटो में, गाइस यहाँ से ऐड करेंगे एक विगनेट का पीएनजी, जो कि गाइस ये रहा, आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो आप डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको आपको कुछ इस टाइप से फुल स्क्रीन करें, कुछ इस टाइप से ऐसे ऐड कर लेना है, एंड उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिंपली डन वाला ऑप्शन में क्लिक कर डन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इतना काम हो चुका है, अब क्या करना है गाइस, आपको सिर्फ आपको यहाँ पर अपनी फोटो यहाँ पर सेव करना है एंड इसको लेकर चलना है लाइट रूम में, क्योंकि बिना रिटच के तो बिल्कुल हमारी फोटो अधूरी है, तो असली काम हमारा अब आता है। तो गाइस लाइट रूम में फोटो को ऐड करने के बाद आपको जाना है इस लाइट वाले ऑप्शन में, ठीक है। फिर उसके बाद आपको उसको पहले यहाँ पे इसका कॉन्ट्रास्ट थोड़ा कम करना है, हाईलाइट जो दिख रहा है गाइस आपको उसको थोड़ा सा हाईलाइट यहाँ पे कम करना है, एंड जो गाइस शेडो है, शेडो को जो आपको आगे की तरफ बढ़ाना है, ठीक है। मतलब आप अपनी फोटो के हिसाब से शेडो को बढ़ाना है, क्योंकि शेडो जो होगा मतलब आपकी फोटो में अलग होगा, मेरी शॉट में हमारी फोटो में अलग है, तो आपको अपने हिसाब से देख लेना। फिर व्हाइट को कम करके ब्लैक को बढ़ा देना, फिर कलर्स में जाकर आपको वाइब्रेशन को बढ़ाना है, टेम्परेचर थोड़ा कम करना है फोटो में ताकि ब्लू टोन आ जाए। फिर जाना आपको कलर मिक्स में रेड कलर सेलेक्ट करके आपको उसका ह्यू माइनस करना है, सैचुरेशन प्लस करना है। फिर उसके बाद आपको जाना है ऑरेंज कलर में, आपको इसका ल्यूमिनस बढ़ाना है, ठीक है, फोटो का ल्यूमिनस बढ़ाना है ताकि आपका फेस है जो ब्राइट हो जाए। फिर जाना आपको डार्क ब्लू में, आप स्काई का कलर चेंज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ह्यू बढ़ा दूंगा एंड सैचुरेशन भी बढ़ा दूंगा। फिर उसके बाद हम जाएंगे ग्रीन कलर में, जैसे कि टी शर्ट है जो हमारी ग्रीन कलर की है, तो मैं इसका ह्यू चेंज करूँगा एंड यहाँ पे सैचुरेशन बढ़ा दूंगा। फिर उसके बाद जाएंगे हम नीचे वाले टूल में, एंड यहाँ पे गाइस हम विगनेट वाला ऑप्शन में जाके हम थोड़ा सा क्लियरिटी बढ़ा देंगे, एंड इसमें विगनेट थोड़ा सा हल्का सा डालेंगे अपनी फोटो के हिसाब से, ठीक है। तो आप विगनेट अपने हिसाब से डालना। फिर उसके बाद आपको ग्रेन माउंट बढ़ाना, फिर जाना नीचे वाले टूल में, आपको हमें फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में नो रिडक्शन डालना है, एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नो रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस आप फाइनली देख सकते हैं हमारी फोटोज यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भाई गाइस यहाँ तक अभी आ ही चुके हो तो गाइस इन दोनों में से कोई भी वीडियो पे क्लिक करो, या फिर अगर आप कोई और वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल के लोगों पे क्लिक करके आप वहाँ जाकर कोई भी वीडियो वॉच कर सकते हो। बाकी चले गए मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।